Good evening to all of you. Today we will learn chapter 13, two poems. As the name suggests, two poems. इस chapter में आपको दो poems मिलती हैं, दोनों अलग अलग ही but correlated हैं. First poem name is My Motherland. As the name suggests means, motherland means मातृभूमि. हम जिस जगह पे born करते हैं, जिस धरती पे हम born करते हैं, जिस land पे हम born करते हैं, उसे हम कहते हैं motherland या मातृभूमि. यहाँ मातृभूमि से आशय इंडिया से है. सो इन दिस पोयम द पर्टिकुलर राइटर वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ इंडिया. इस पोयम में जो राइटर है, पोएट है, वो जो खूबसूरती है इंडिया की उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं. लेट्स लर्न. इंडिया इज अ प्लेस टू नो द माउंटेंस एंड द स्नो, द मिडो एंड द हिल्स, द लाइफ दैट थ्रिल्स. सो इंडिया एक ऐसी जगह है. इंडिया इज़ अ प्लेस टू नो, मतलब इंडिया जानने को ऐसी जगह है. इंडिया में जानने के लिए कैसी कैसी जगह है, वही वो बता रहे हैं कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ जानने को माउंटेन्स है. माउंटेन्स मीन्स एज यू नो हिमालय. हिमालय को आप देखेंगे एंड द स्नो. स्नो मीन्स बर्फ. आप देखेंगे नॉर्दर्न साइड पे, नॉर्थ इंडिया साइड पे मैप पे हमें पता है कि हमारे पूरे स्नोज है. सो वहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंडिया में माउंटेन और स्नो है. एंड द मिडो एंड द हिल. What is the word mean? Meadow, meadow. It is meadow means घास का मैदान. एक ऐसी जगह जो पूरी ग्रास लैंड है उसे हम कहते हैं मिडो. तो यहाँ मिडो है और पर्वत भी हैं. The hills, the life that thrills. मतलब यहाँ आपकी लाइफ, ऐसी लाइफ आपको मिलती है. ऐसी लाइफ में अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको थ्रिल्स मिलता है. थ्रिल्स मीन्स एक्साइटमेंट. क्यों एक्साइटमेंट मिलता है? जब आप हिल स्टेशंस पे जाते हैं या किसी भी ब्यूटी प्लेसफुल प्लेस पे जाते हैं तो ऑलरेडी आपके अंदर बहुत सारे एक्साइटमेंट्स होते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती है. पोयम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब कभी इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. नेक्स्ट, द टोम्ब मिनरेट्स एंड द फोर्ट्स, लेक्स पॉन्ड्स एंड द मोट्स. सो टोम मीन्स अपने जैसे ताजमहल, मकबरा, जहाँ जैसा आपको पता है कि इस्लाम कल्चर में वो लोग बेसिकली बरी बिफोर द बरी कर देते हैं, लैंड के नीचे दफना देते हैं. मकबरे को हम कहते हैं टोम. एंड मिनरेट्स, मिनरेट्स मीन्स ऊँची मीनारें जो होती हैं उसे हम कहते हैं मिनरेट्स. फोर्ट्स मीन्स किले. और यहाँ बहुत सारे मकबरे हैं, मिनरेट्स है, मीनार है और किले हैं. जैसा आप जानते हैं द रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है. कहाँ? इंडिया पे. लेक्स पॉन्ड्स एंड द मोट्स. सो यहाँ बहुत सारी झीलें हैं, बहुत सारे तालाब हैं. एंड मोट्स, मोट्स मीन्स मीनारों के आसपास आपने देखा होगा जो एक वाटर बॉडीज होती है उसे हम कहते हैं मोट्स. द स्पार्कलिंग जेम्स एंड मिनरल ओर्स, द फेबल्स एपिक एंड फोक लोर्स, स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज द शील्ड दैट शील्ड. सो जो स्पार्कलिंग जेम्स मीन्स यहाँ बहुत सारे रत्न मिलते हैं, बहुत सारे चमकीले रत्न मिलते हैं. मिनरल ओर्स मीन्स बहुत सारे खनिज मिलते हैं हमें यहाँ. द फेबल्स एपिक्स एंड फोक लोर्स. फेबल्स मीन्स ऐसी कहानियाँ आपने अक्सर सुनी होगी, परी कथाएँ, जातक कथाएँ हमें यहाँ पे मिलती हैं. एपिक्स मीन्स काव्य, लाइक रामायण, महाभारत, ये सारे एपिक स्टोर्स मिलते हैं. फोकलोर्स मीन्स बेसिकली जातक कथाएँ और जो रीजनल स्टोरीज होती हैं वो यहाँ मिलती है. स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज दैट शील्ड मीन्स ये जो शील्ड है, ये जो कथाएँ हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, स्ट्रॉन्ग जो फैमिलीज हैं वो इसे रिलेट करती हैं. सो इस तरह से वो बता रहे हैं कि हमारे इंडिया पे फर्स्ट स्टैंजा पे राइट पोएट ने बताया कि माउंटेन्स मिलती हैं, सेकंड स्टैंजा पे बताया कि बहुत सारे किलेज मिलते हैं, थर्ड स्टैंजा पे वो बता रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे जेम्स हैं, बहुत सारे नवरत्न हैं. एंड एट द फोर्थ स्टैंजर दैट द ग्लिस्टिंग रिवर एंड स्ट्रीम्स, माई कंट्री, माई मदरलैंड, माई ड्रीम. सो द ग्लिस्टिंग रिवर्स मीन्स एक ऐसी रिवर, चमकीली रिवर. आपने देखा होगा कि जो रिवर की वाटर है वो कई बार ग्लिस्टिंग मीन्स चमकीली भी रहती है उस पर. सो द बहुत अच्छी ग्लिस्टर, ग्लिस्ट करती हुई रिवर्स है, स्ट्रीम्स हैं. एंड माई कंट्री, माई मदरलैंड, माई ड्रीम, मतलब मेरा देश, मेरी मातृभूमि, मेरा सपना. राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से खूबसूरती, किस तरह से भारत की जो खूबसूरती है, इंडिया की जो खूबसूरती है वो फिजिकली और बहुत सारी अच्छी कल्चर्स यहाँ पे हैं. द लश ग्रास लैंड एंड द स्विंग क्रॉप्स, द ग्रीन हर्ब्स विथ ग्लिटरिंग ड्यू ड्रॉप्स.
सो यहाँ पे द लश ग्रासलैंड्स, मतलब यहाँ आप देखेंगे कि घास के जो मैदान होते हैं उसमें बहुत ही खूबसूरती तरीके से बहुत ही अच्छी घास की मैदान यहाँ पे मिलती हैं। द स्विंग क्रॉप्स मीन्स यहाँ पे सुनहरे हमारे क्रॉप्स फसलें भी आपको मिलती है। द ग्रीन हर्ब्स मतलब जो ग्रीन हर्ब्स, आपने पता होगा कि हिमालय में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी मिलती है, हर्ब्स मिलते हैं लाइक संजीवनी बूटी, इट इज़ फेमस एंड मैनी मैनी हर्ब्स आर प्रेजेंट इन हिमालय एंड इंडिया। सो द ग्रीन हर्ब्स मतलब जो हरे हर्ब्स होते हैं विद ग्लिटरिंग ड्यू ड्रॉप्स, ग्लिटरिंग ड्यू ड्रॉप्स मीन्स आपने देखा होगा अक्सर कि बारिश के टाइम पे या नॉर्मली सुबह जब ठंड के टाइम पे जो फसलों के ऊपर में जो हर्ब्स के ऊपर में छोटी छोटी जो बूंदें जम जाती हैं उसे ही राइटर बता रहे हैं कि ग्लिटरिंग ड्यू ड्रॉप्स। द कलरफुल ब्लूमिंग फ्लावर्स, द हैवी एंड जेंटल शॉवर मीन्स हमारे इंडिया पे बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं और बहुत ही शावर्स, बहुत ही यहाँ पे हैवी बहुत ही भारी वर्षा होती है लेकिन बहुत ही जेंटल बट बहुत ही सॉफ्ट शावर्स भी हैं। मीन्स इट इज़ अबाउट द रेनी सीजन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्गी, फंगी, मोसेस एंड फर्न्स, डिफरेंट वेदर्स, डिफरेंट सीजन इन टर्न्स। सो आपको पता है कि यहाँ एल्गी मीन्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एल्गी, फंगी, मोसेस, फर्न्स, जो छोटे जिनको आप आँखों से नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। सो इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके से एल्गी भी हैं, फंगी भी हैं, मोसेस भी हैं, फर्न्स भी हैं एंड डिफरेंट वेदर, बहुत अलग तरह के मौसम भी हैं, सीज़न भी हैं एंड इट टर्न्स हमेशा इन टर्न्स मीन्स हमेशा ही मौसम और सीज़न आपने देखा होगा कि चेंज होते रहते हैं। समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग एंड एन अरे और ब्यूटिफुल बर्ड्स दैट सिंग मीन्स यहाँ सीजन्स कौन से हैं, समर, विंटर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग, चार वेदर होते हैं हमारे यहाँ पे, फोर सीजन्स होते हैं। सो समर वही ये बता रहे हैं कि एक ऐसा अरे है ब्यूटिफुल बर्ड्स की जो हमेशा सिंग करते हैं। आपको पता ही है कि माइग्रेटरी बर्ड्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं वो विंटर के समय में इंडिया पे विजिट भी करती हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे चार मौसम हैं और यहाँ चिड़ियों की, पक्षियों की बहुत सारी कतारें भी मिलती है। द सेरेनिटी, डिवाइनिटी एंड यूनिटी, वार्मथ, प्राइड एंड ह्यूमैनिटी मीन्स सिर्फ ये हमारे यहाँ पे फिजिकली ही नहीं, कल्चर वाइज भी हम बहुत रिच हैं। हमारे यहाँ पे सेरेनिटी, डिवाइनिटी एंड यूनिटी, हमारे यहाँ पे एकता है, अखंडता है, हमारे यहाँ पे लोगों में बहुत अच्छी डिवाइन है, डिवाइन मीन्स बेसिकली स्पिरिचुअल्स, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी स्पिरिचुअलिटी भी मिलती है। वार्मथ, प्राइड एंड ह्यूमैनिटी, बहुत ही गर्मजोशी से हम लोगों का स्वागत करते हैं, हमें इस पे गर्व है और हमारे अंदर एक जो मनुष्यता रहती है, मानवता होती है, वो भी हमने अपने अंदर रखा है। द थ्रीस्ट टू लर्न, द अर्ज टू नो, इंडिया इज़ अ प्लेस टू गो ग्रो। सो द थ्रीस्ट टू लर्न मीन्स यहाँ अगर आप हैं, सो द थर्स्ट टू लर्न, यहाँ आपके सीखने के लिए, यहाँ आपकी जो सीखने की प्यास है, जो आपके सीखने की थर्स्टीनेस है, वो यहाँ आके आपकी काम हो सकती है। द अर्ज टू नो, यहाँ जानने को बहुत कुछ है, इंडिया में एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है। इंडिया इज़ अ प्लेस टू ग्रो मतलब इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ आप ग्रो कर सकते हैं। इस पूरी पोयम में राइटर ने आपको बताया कि हमारी जो मदरलैंड है इंडिया में, बहुत ही खूबसूरती तरीके से अगर आप हिमालय टू कन्याकुमारी देखते भी हैं, सो यस वी हैव लॉट्स ऑफ ब्यूटीज़ नॉट ओनली फिजिकली लेकिन लोगों के अंदर भी, यहाँ ह्यूमैनिटी है, कल्चर वाइज हम बहुत रिच हैं, हमारे कंट्रीज़ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने इस पोयम पे समराइज़ किया है और देखिए ये इंडिया की ही पोयम है, सो जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर it as a your own country. So this is the part one of this poem. The second part is my mesmeric land. Okay, let's explore second part. The mesmeric land. What is the meaning of mesmeric? Mesmeric means kind of hypnotism. जब कभी आप hypnotize करते हैं किसी को, सम्मोहित करते हैं, जब कभी आप किसी को जादू से अपने वश में करते हैं, सो मैजमेरिक लैंड, यहाँ पे राइटर मैजमेरिक लैंड कह रहे हैं, एक ऐसी धरती जहाँ जाके आप कोई भी सम्मोहित हो जाए, जहाँ जाके कोई भी किसी भी
के माइंड में नेचर का जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छी तरह से रह जाए. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस पोयम. माई नेशन माई लैंड इज द बेस्ट वन विथ ग्रीन मीडो स्पार्कलिंग रिवर एंड ग्रीट लिटरिंग सैंड. सो यहाँ बता रहे हैं राइटर माई नेशन माई लैंड मतलब मेरा देश मेरी धरती मेरी जमीन इज द बेस्ट वन वो सबसे अच्छी है विथ ग्रीन मीडो स्पार्कलिंग रिवर एंड ग्लिटरिंग सैंड. ग्रीन मीडो मीन्स हरे घास के मैदान के साथ में स्पार्कलिंग रिवर एक रिवर चमकीली नदियों के साथ में एंड ग्लिटरिंग सैंड. ग्लिटर्स मीन्स चमकीला आपने देखा होगा कि सैंड सैंड मीन्स रेत या तो कई बार आपने देखा होगा कि रेतों में जो चमकीली शाइनिंग रहती है सो इट इज़ कॉल्ड ग्लिटरिंग. सो मेरी देश मेरी धरती एक ऐसी धरती है जो सबसे अच्छी है और यहाँ हरी घास का मैदान मुझे मिलता है स्पार्कलिंग रिवर मिलती है और ग्लिटरिंग सैंड मिलता है. ऐसा राइटर अपने देश के बारे में कह रहे हैं. देश का नाम क्या है बताया उन्होंने किस तरह की बताई अपनी लैंड को मैसमेरिक लैंड. द वैली हिल्स एंड द स्नो कैप्ड माउंटेन द शिमरिंग स्ट्रीम बबलिंग स्प्रिंग एंड फाउंटेन मीन्स द वैली हिल्स तो घाटियाँ और पर्वत पहाड़ एंड स्नो कैप्ड माउंटेन और ऐसे माउंटेन जो बर्फ से ढके हुए हैं. द शिमरिंग स्ट्रीम शिमरिंग मीन्स झलमिलाती हुई स्ट्रीम मीन्स छोटी नदी या छोटी कोई नाले जैसे आपने देखा होगा स्मॉल रिवर्स जो ब्रोक हो जाती है कभी सो इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रीम. तो छोटी झलमिलाती यहाँ पे क्या है यहाँ झलमिलाती नदियाँ भी हैं. बबलिंग स्प्रिंग एंड फाउंटेन सो बबलिंग स्प्रिंग मीन्स वसंत ऋतु स्प्रिंग मीन्स वसंत ऋतु सो ऐसी बबल करते हुए वसंत ऋतु एंड फाउंटेन्स बहुत सारे फाउंटेन्स भी हैं. वी हैव अ रेम्बो ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम कल्चर फ्लावर टू सीजन. वी इंडियंस आर नोन फॉर मैनी गुड रीजन मीन्स वी हैव अ रेम्बो ऑफ एवरीथिंग मीन्स हमारे पास एक इंद्रधनुष है. इंद्रधनुष रेम्बो मीन्स वो क्या कह रहे हैं बता रहे हैं कि सेवन कलर्स जिस तरह से रेम्बो पे सेवन कलर्स होते हैं उसी तरह के लाइफ के भी सारे कलर्स हमारे इंडियंस पे इंडिया पे सारी जगह पे हैं. किस तरह से हैं ऐसा उन्होंने पूरे डिफाइन किया है पोयम पे. कल्चर फ्लावर टू सीजन वी इंडियंस आर नोन मैनी गुड रीजन मीन्स हमारे पास कल्चर्स भी हैं फ्लावर्स हर एक सीजनल फ्लावर्स भी हैं एंड वी इंडियंस हम भारतीय आर नोन जाने जाते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे कारणों से. दोनों ही पोयम पे आपने देखी कि फर्स्ट पोयम पे राइटर ने बताया माई मदरलैंड एंड सेकेंड पोयम पे द मैसमेरिक लैंड एक ऐसी जादुई भूमि. दोनों ही पोयम्स रिलेटेड है इंडिया की ब्यूटी से इंडिया की खूबसूरती से और इस कविता के वो दोनों ही पोयम के माध्यम से कवि ने बताया है कि कितनी अच्छी लैंड और ये सच भी है. अगर आप इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं सो फिज़िकली इमोशनली कल्चर वाइज पीपल वाइज जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वाइज वी हैव लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस एंड वी आवर लैंड इज़ द बेस्ट. तो यही ब्यूटी इन दोनों पोएम्स में आपको बताई गई है. इफ यू हैव एनी डाउट इन दैट पोएम यू कैन आस्क अस और इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डायरेक्टली आस्क अस ऑन कमेंट. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.